नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए न्यू डिश के रूप में लेके आया हूँ सैलेड, सालमन सैलेड। तो मैं आपको आज बताऊंगा सालमन सैलेड कैसे बनाया जाता है। आज मैं अभी बनाने जा रहा हूँ सालमन सैलेड, तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी कैसे बनाते हैं सालमन सैलेड। तो दोस्तों, हमने ये लिया है 100 ग्राम सालमन। अभी इसको कट करेंगे इस तरीके से। अभी इसको क्यूब क्यूब में कटिंग करेंगे इस तरीके से। सो दोस्तों, अभी मैंने लिया है सालमन कट के बॉल में। अभी हम इसको टोस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे इस तरीके से। पहले से हमने पैन गरम करके रखा है, इस तरीके से इसको कुक करेंगे और इसको हल्का टोस्ट करेंगे इस तरीके से। हमारा सालमन कुक हो चुका है और सैलेड ले लिया हमने, ये ड्रेसिंग बनी हुई है और अदर सैलेड भी ले गए, कैरोट, एवोकाडो और ये क्रैब स्टिक है। अभी मैं इसको फ्लेटिंग करूंगा दोस्तों इस तरीके से। पहले नीचे लोलो बिंदु लगाऊंगा ऐसे, इस तरीके से। और ये सैलेड में थोड़ा सा ड्रेसिंग मिक्स कर दूंगा ऐसे, और थोड़ा सा इसमें कैरोट ऐड करूंगा इस तरीके से, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करूंगा ऐसे, और इसको प्लेट के सेंटर में लगाऊंगा ऐसे दोस्तों। इस तरीके से अभी ऊपर से लगाऊंगा मैं एवोकाडो, जो ऐसे मैंने क्यूब क्यूब में काट रखे हैं पहले से, इस तरीके से लगा दूंगा। और ऊपर से लगा दूंगा सालमन, जो मैंने सालमन कुक किया है। ज्यादातर लोग सालमन, रॉ सालमन खाना पसंद करते हैं सैलेड में, लेकिन ये कस्टमर रिक्वेस्ट है, कस्टमर को ये कुक्ड सालमन चाहिए, इसलिए मैंने ये सालमन कुक किया है। देखते हैं सालमन सैलेड हो गया दोस्तों। ये अभी ऊपर से लगाएंगे क्रैब स्टिक। क्रैब स्टिक ऐसे ऐसे छोटे छोटे जूलियन काट रखे मैंने, और ऊपर से डालेंगे टोबैको। ये सालमन की एग है, सालमन एग। और ऊपर से टोस्ट सीसमी डालेंगे, व्हाइट सीसमी है, व्हाइट सीसमी। ऊपर से इस तरीके से गार्निश करेंगे और ये सैलेड हमारा पिकअप है विद ड्रेसिंग, राइट। और ये सैलेड की ड्रेसिंग। फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा सालमन सैलेड बनाने का स्टाइल? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।